डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आज फिर से हम मैथमेटिक्स की क्लास में एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे साइन एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस वाई और टेन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले कैसे सिद्ध करेंगे। लास्ट टाइम क्लास में हमने बताया था कि साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले हमें कैसे फाइंड करते थे, ठीक उसी तरह आज हम सीखेंगे sin x minus y, cos x minus y and tan x minus y के फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले सीखे, इसके लिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलते हैं। देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास है पूरी त्रिकोणमिति, हमारे पास है एक वर्ताकार सिस्टम के अंदर होता है। आज थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक वर्ताकार सिस्टम है जिसके अंदर ये हमारे पास है x o अक्ष डैश एंड ये हमारे पास क्या है y o y डैश। इसको बोल देते हैं x o अक्ष डैश x को और इसको बोल देते हैं y o y डैश। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने x plus y के फॉर्मूले सीखे थे, आज यहां हम सीखेंगे x minus y कोण के त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। माना किसी टाइम के ऊपर कोई व्यक्ति यहां से चला, देखिए ये हम स्टार्टिंग पॉइंट जीरो देते हैं और ये हमारे पास 90 डिग्री, ये 180 डिग्री एंड ये 270 और वापस 360। मतलब यहां से कोई व्यक्ति चला और वो चलते चलते बिंदु ए के ऊपर पहुंच गया। देखिए यहां से कोई व्यक्ति चला और बिंदु ए के ऊपर पहुंच गया, तो किस लाइन से वो चला था, ये हमारे पास ओ अक्ष लाइन से चला था, तो मैंने बना दिया कि ये व्यक्ति हमारे पास ऐसे चला, तो उन्होंने टोटल कोण क्या बनाया x। ओके, एक व्यक्ति चला तो यहां से चला बिंदु A तक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। मैंने लंब डाला A से इस रेखा के ऊपर लंब डाला, तो ये हमारे पास क्या बन गया 90 डिग्री और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने n। ओके, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि अगर यहां डाला तो यहां 90 क्यों नहीं बनेगा, तो देखना कि जिस लाइन से हम निकल के जाएंगे और जिस लाइन तक जाएंगे, तो इसके शीर्ष से लेके मतलब जिस कोण से गए, ये कोण का क्या हो गया सिर हो गया और ये कोण के क्या हो गए पैर, तो हम शीर्ष से पैर की ओर लंब डालेंगे, यानी ये इस रेखा के ऊपर शीर्ष है, इसकी शीर्ष से लेके ये पैर, ये हमारे पास क्या बनेगा 90 डिग्री। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे है, कोई रेखा है वो ऐसे चल के आ रही है हमारे पास ही, इस साइड में चल के आ रही है, तो बताइए इसका सिर कहाँ हो गया इधर, पैर कहाँ हो गया इधर, तो इसके सिर से पैर तक, तो ये बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ऐसे हमारे लंबे डाला जाता है त्रिकोणमिति के। ओके, तो शुरुआत में कोई व्यक्ति था ए, शुरुआत से चला, उसने एंगल क्या बनाया एक्स और ये हमने क्या डाल दिया लंब डाला, तो हमारे पास ट्रायंगल बन गया ओ ए एन, हमारे पास क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया ओ ए एन। आप साथ साथ लिख सकते हो इसको, ट्रायंगल है हमारे पास है ओ ए एन, बिंदु ओ के ऊपर कोण कितना है एक्स है और 90 डिग्री कौन सा है एन वाला पॉइंट है। ओके, अब देखिए ये व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से चल के बिंदु ए तक पहुंच गया, अब ये वापस इसी दिशा में आ रहा है, ध्यान देना अब ये ए से वापस एक्स एक्स की ओर आ रहा है, तो यही व्यक्ति किसी टाइम पे हमारे पास आ गया बिंदु बी के ऊपर, तो बिंदु बी से ओ की पोजीशंस क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स सबके बाद ये कहां से चल के आया है, ए से लेके बी की ओर चल के आया है, यानी ए से चला और बी के ऊपर आ गया, ऐसे चला और बी के ऊपर आ गया और माना इन्होंने कौन क्या बनाया वाई, तो बताइए लंब कहां से कहां तक चलेगा, इसके सिर से इसके पैर की ओर, यानी इसके सिर से इसके पैर की ओर, तो बताइए 90 यहां लगेगा या यहां लगेगा, तो मैं बता रहा हूं सिर से पैर की ओर, तो पैर पे जाके कितना है, तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ओके, मैं थोड़ा अलग से बना दूंगा और थोड़ा इसको बढ़ा ले लेंगे, तो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया वाई। अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस साइड में तो मेरे पास क्या है ओ,
इस साइड में तो मेरे पास क्या है ओ, एक क्या है ए और एक क्या है बी, और 90 डिग्री कहां बना है ए के ऊपर, तो 90 डिग्री दे देंगे ए के ऊपर और दूसरा क्या हो जाएगा सबसे बी, तो ये बन गया ओ बी ए 90 वाला एंगल कहां है ए, और वाई कौन किस बिंदु पर बन रहा है ओ पॉइंट के ऊपर, तो मैंने ये बना दिया वाई कौन। ओके अब मेरे को क्या करना है, देखिए टोटल एंगल कितना था, ये जो टोटल एंगल था ये कितना था एक्स था, अब यहां आने के बाद कितना हो गया वाई, तो बताइए मेरे पास ये एंगल कितना बचेगा, मेरे पास ये एंगल कितना बचेगा, तो सबसे पहले इससे किधर की ओर जाएंगे तो मैं नापना चाहूंगा इस लाइन से लेके यहां तक का ये एंगल मेरे पास कितना बचेगा, तो देखो टोटल एक्स था और ये वाई था, तो ये एंगल कितना बचेगा एक्स माइनस ए वाई, तो बताइए इसका सिर कहां हुआ, ये इसका सिर रहा मतलब बिंदु बी के ऊपर, पैर कहां है ओ एक्स लाइन के ऊपर, तो सिर से पैर की ओर लंब डाला और मैंने माना ये पॉइंट एम, तो 90 डिग्री कहां बनेगा इधर बनेगा हमारे पास 90 डिग्री, तो मैं इसे ट्रायंगल को भी मैं क्या करता हूं अलग से ले लेता हूं, जिससे मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगा ओ बी एम, ट्रायंगल क्या बन जाएगा ओ बी एम, देखिए एम के ऊपर क्या है 90 डिग्री, ओ के ऊपर क्या है कोण एक्स माइनस वाई, ओ के ऊपर क्या है कोण एक्स माइनस वाई, और बचा हुआ सिरा क्या है हमारे पास है ओके okay, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं जिससे आपको हर एक एंगल अच्छे से नजर आ जाए, तो मैंने इसको साइड में लिख दिया है जिसके अंदर क्या है शुरुआत में ओ से लेके ये कोण क्या बन गया एक्स कोण है, एक कोण वाई कोण है और एक कोण एक्स माइनस वाई कोण है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे यहां से कोण डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे कि देखिए ये टोटल एंगल कितना है एक्स है, ये टोटल ये एंगल कितना है वाई है, और ये एंगल कितना है एक्स माइनस वाई है। इसको देखो ऐसे समझो कि टोटल एंगल क्या है हमारे पास है, ये एंगल कितना है एक्स है, और फिर इसको मान लो तो इसको में तोड़ दो तो ये वाई और ये एक्स माइनस वाई। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट बी है यहां से मैं एक सीधी रेखा खींचता हूं, ये मेरे पास जो पॉइंट बी है यहां मैं क्या करता हूं एक सीधी रेखा हमें खींचते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या करना है, और एक हमारे पास ये पहले से था ये ओ एन ये त्रिभुज ओ ए एन के ऊपर लंबवत वाली रेखा, ठीक है। तो देखिए ये टोटल एंगल हमारे पास क्या है, एक बार ऐसे देखो ये ओ है, ये पॉइंट हमारे पास ए है, और ये बिंदु हमारे पास बी है, और बी से मैंने ये सीधी वाली रेखा खींची है। इस डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दे दो, एक बार इधर देखिए टोटल एंगल कितना है, ये एक्स है, ये पॉइंट ए बी और ये सीधी रेखा, कितने वाले हिस्से को मैंने क्या कर दिया अलग है, और इस ए से ये क्या है परपेंडिकुलर है, ऐसे लाइन जा रही है और ये हमारे पास बिंदु एन। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं ए के ऊपर भी अगर सीधी रेखा खींचूं, अगर मैं इस ए के ऊपर भी एक सीधी रेखा खींची जाए, तो ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, तो बताइए ये एंगल कितना है हमारे पास एक्स, देखिए ये एंगल हमारे पास कितना है एक्स, तो एकांतर कोण से ये एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास एक्स एंगल, देखिए ये एंगल कितना है एक्स, तो एकांतर कोण से ये कितना बन जाएगा एंगल एक्स, और देखिए ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, यानी ये कोण कितने डिग्री का है हमारे पास 90 डिग्री का, और हम जानते हैं कि एक रेखा का कोण, हम जानते हैं एक रेखा के ऊपर किसी बिंदु का कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 तो ये हो गए और एक्स ये हो गए, तो बताइए हमारे पास ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस एक्स। देखिए हमारे पास ऐसे है कि ये पॉइंट ए है, और ऐसे ये तो बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री एंगल, ये आ गया हमारे पास एक्स, एक बार मान लेता हूं कि अल्फा कोण है, हम जानते हैं कि बिंदु के ऊपर टोटल कोण कितना का है 80 का, तो ऐड कीजिए एक्स प्लस 90 प्लस अल्फा, अल्फा निकालना इसको इधर लाइए 180 माइनस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू अल्फा, 180 में से 90 के
माइनस एक्स, यानी ये कौन कितने डिग्री का बचा हमारे पास है 90 माइनस एक्स का। तो स्टूडेंट से हमारे पास ये कौन कितने डिग्री का बन गया 90 माइनस एक्स। अब अगर ये कौन और ये कौन एक समान होते हैं एकांतर कोण की सहायता से, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे एक समान हो जाएंगे, तो ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स। देखिए ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस एक्स। और जो कि मैंने बी से ये सीधी रेखा खींची थी तो ये कोण भी कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। इसको मैं पॉइंट पी ले लेता हूं, ये कोण कितने डिग्री का है, यानी हमारे पास ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है हमारे पास 90, यानी ये हमारे पास 90, ये 90 माइनस एक्स, तो सीधा सा हिसाब है ये कोण कितना बचेगा आपसे एंगल बचेगा। देखिए ये टोटल कोण मेरे पास है, एक बार हम इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा सा इजी है बस एक बार दिखने में ही दिक्कत है। अगर मैं यहां ऐसे डिवाइड करूं एक सरल रेखा, तो देखिए पहले तो ये पूरा 90 है और ये वाला भी 90 है, ये अलग अलग कोण, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कोण कितना है हमारे पास एक्स है, शुरुआत में हमारे पास टोटल कोण कितना आया था एक्स कोण आया था। अगर ये कोण एक्स है तो एकांतर कोण से ये हमारे पास क्या होगा एक्स कोण होगा। अगर ये अक्ष है और ये 90 है, देखिए ये 90 है और ये अक्ष है, तो ये कोण हमारे पास कितना बचेगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि एक बिंदु पे टोटल कोण कितने होते हैं 180। अब फिर से एकांतर कोण की सहायता से ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी कितना बचेगा हमारे पास 90 माइनस एक्स बचेगा। और चूंकि ये 90 और ये 90 माइनस एक्स तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 90 180। और इसको संतुलित बनाने के लिए ये कोण हमें क्या लिखना होगा एक्स, ये 90 और ये 90 माइनस एक्स, तो ये कितना बचेगा एक्स। कहने का मतलब मेरे पास ये बिंदु O और ये कोण कितना बन गया एक्स। तो इस डायग्राम को अगर मैं इधर लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि इसको ऐसे समझे कि ये पॉइंट हमारे पास O, ये पॉइंट हमारे पास A और ये A का जा रहा है लंबवत वाला हिस्सा, आगे ये पॉइंट B के ऊपर जा रहा है और B से ये आ रहा है लंबवत हिस्सा, इस पॉइंट को हमने B माना, ये कोण कितना बच गया हमारे पास से x बच गया और ये कितना बन गया 90 डिग्री। और इस रेखा के ऊपर ये जा रहा था n और ये जा रहा था m और ये जा रहा था m और ये दोनों कहां मिले हुए थे, ये इस बिंदु O के ऊपर। टोटल कोण कितना था, टोटल कोण कितना है एक्स, और इस बी वाले हिस्से से अगर मैं मिला लूं तो टोटल कोण कितना बचेगा ऊपर ऊपर का वाई, और ये कोण हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस वाई। कहने का मतलब एक और ट्रायंगल निकल के आ गया हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल आ गया इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं या आप इसको ऐसे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखो मतलब ए पी और बी है, आप कैसे भी ट्रायंगल बना लो और लिखना है ए पी और बी। बताइए 90 किसके ऊपर बन रहा है, पी के ऊपर। 90 किसके ऊपर बन रहा है, इधर 90 बना दो, इधर 90 बना दो, पी के ऊपर। एक्स किसके ऊपर बन रहा है, ए के ऊपर, यानी आपने यहां ए ले लिया तो इसको एक्स ले लो, या यहां ए ले लिया तो आप इसको एक्स ले लो, या यहां से हटा के इस कोण को एक्स मानेंगे तो ए, इधर लिख लेंगे तो ये ए हो गया, बी हो गया, बचा हुआ शेष कौन सा हो गया बी हो गया, और बचा हुआ शेष कौन सा हो गया बी हो गया। तो आप ट्राइंगल को ऐसे लिखिए या आप उस ट्राइंगल को ऐसे लिखिए, और ये तीन ट्राइंगल्स हम पहले लेके आए थे, ठीक है। बस अब हमें केवल इसके सूत्र निकालने हैं और ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आप डायग्राम को अच्छे से समझ के इसे नोट कीजिए, दो तीन बार अपने हाथ से लिखिए और कोण को अच्छे से समझिए। टोटल एक्स तो ये वाला एक्स, ये 90 था और ये एक्स था, तो 90 माइनस एक्स शेष रहेगा, ये 90 माइनस एक्स तो ये 90 माइनस एक्स, और ये 90 और 90 माइनस एक्स तो ये एक्स। एक बात तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखनी है, और सेकंड बात है लंब कैसे डालेंगे वो वाला ध्यान रखना कि कहां 90 डिग्री जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसके सिर से लेके इसके पैर पे, जहां पैर हो वहीं क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब मैं स्पेस के लिए इसे एक दो तीन और इसे चौथे डायग्राम को, अभी ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसके
इसलिए मैं एक को हटा रहा हूं। अब मैं इन चारों त्रिभुजों को यहां लिख लेता हूं अपने ऊपर, जिससे हमारे पास स्पेस रह जाए और हम फॉर्मूलों को प्रूव कर सके। अब देखो हम इन चार ट्रायंगल से हमारे पास से वही लाल बटा कका से हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू रख लेंगे। मैंने लास्ट ईयर वीडियो में बताया था आपको कि लंब आधार और कर्ण क्या होता है, तो इस कोने के सामने क्या हो जाएगा कर्ण, और जिस रेखा के ऊपर कोण और संकोण दोनों हो वो क्या हो जाएगी आधार और शेष बची लंब। देखिए कोने के सामने सदैव क्या होता है कर्ण, कोण और संकोण जिस रेखा पे ऊपर हो वो क्या होती है आधार और शेष बची लंब। कोणे के सामने क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण, कोण और संकोण जिस रेखा के ऊपर हो वो बेस या आधार और शेष बची हुई परपेंडिकुलर। ठीक इसी प्रकार कोने के सामने कर्ण या हाइपोटेनियस और रेखा कोण और संकोण दोनों हो यानी एंगल और राइट एंगल दोनों हो तो क्या बन जाएगी हमारे पास बेस बन जाएगी एंड बची हुई हमारे पास परपेंडिकुलर या लंबे बन जाएगी। ठीक है तो ये हमारे पास चार डायग्राम से, अगर मैं इस डायग्राम से निकालूं क्या, अगर इस डायग्राम से बनेगा साइन और कोण क्या है मेरे पास एक्स, साइन और कोण क्या है मेरे पास एक्स, तो कितना बचेगा लंबे बटा करण यानी बीपी बटा और करण क्या है हमारे पास एपी। ठीक है अगर मैं यहां से कोस निकालूं तो मेरे पास कोसेक से कितना बचेगा आधार बटा करण, आधार यानी एपी बटा और एबी यानी एपी बटा एबी, और तीसरा अगर मैं निकालूं मेरे पास है टेन एक्स तो टेन एक्स कितना बचेगा लंब बटा आधार बीपी बटा और नीचे क्या आ जाएगा एपी। ठीक है ठीक इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं निकालूं साइन और कोण क्या है मेरे पास वाई को लंब बटा करण, और लंब मेरे पास क्या है बी ए और करण क्या है मेरे पास ओ बी, और अगर इधर निकाले कोस वाई तो कोस कितना हो जाएगा आधार बटा करण, आधार कितना है मेरे पास ओ ए एंड आधार कितना है मेरे पास ओ ए और करण क्या है मेरे पास ओ बी, और यहां से अगर मैं निकालू टेन इंटू एंगल तो कितना बचेगा बी ए अपॉन ए ओ ए, बी ए अपॉन ए ओ ए यानी आधार बटा करण सॉरी लंब बटा आधार बी ए अपॉन ए ओ ए। और अगर मैं इस डायग्राम से निकालना चाहूं इस डायग्राम से निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा साइन और कोण कितना है एक्स लंब बटा यानी ए एन बटा ओ ए, ए एन बटा ओ ए। कोस निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा ओ एन आधार बटा कर्ण ओ एन बटा ओ ए, ओ एन बटा ओ ए एंड टेन निकालना चाहूंगा टेन एक्स तो कितना आ जाएगा ए एन अपॉन ओ एन, ए एन अपॉन ओ एन। ठीक है ये हमारे पास था थर्ड डायग्राम के अंदर। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो मेरे पास है साइन एंड एंगल क्या है मेरे पास एक्स माइनस वाई, तो साइन कितना हो जाएगा लंब यानी बी एम बटा करण ओ बी, कोस कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई आधार ओ एम बटा करण ओ बी, एंड टेन कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई आधार लंब बटा आधार यानी बी एम अपॉन ओ एम यानी बी एम अपॉन ओ एम। तो ये मेरे पास मैंने चारों ट्राइंगल्स के अंदर साइन कोस और टेन लाल कक्का वाला फॉर्मूला लगा के हमने साइन 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 कोस टेन साइन कोस टेन साइन कोस टेन एंड साइन कोस टेन निकाल लिया। इसके अलावा देखो हम इस डायग्राम्स के अंदर और क्या देख सकते हैं, तो इस डायग्राम्स के अंदर मेरे पास है जो वैल्यू ए एन है, देखिए जो वैल्यू मेरे पास है ए एन है उसको लिखा जा सकता है ए पी प्लस पी एन, क्या लिखा जा सकता है ए पी प्लस पी एन, और ये जो मेरे पास टोटल ओ एम है जो टोटल ओ एम है इसको लिखा जा सकता है ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम। तो देखिए ए एन को तो मैंने क्या लिख दिया ए पी प्लस पी एन और ओ एम को क्या लिख दिया ओ एन प्लस एन एम। इसके अलावा देखिए पी बी एन एम के बराबर है,
पीबी भुजा एनएम भुजा के बराबर है और पीएन किसके बराबर है बीएम के, पीएन किसके बराबर है बीएम, पीएन बराबर है बीएम। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये चार ट्रायंगल्स के अंदर और ये था हमने इस डायग्राम्स के अंदर देखे। अब हम इस सारे डाटा उठाएंगे और इससे वैल्यू निकाल के लाएंगे। उससे पहले हम देखें कि हमारे पास ये वाला एक नंबर था, ये दो नंबर मान लो और ये तीन नंबर और ये चार नंबर का ट्राइंगल, जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो। देखिए एंगल ए सॉरी ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल तीन के अंदर देखें तो देखिए इसका भी कोण अक्ष है और इसका भी कोण अक्ष है। कहने का मतलब ये भी बोल रहा है, ये बोल रहा है साइन एक्स बराबर बीपी बटा ए बी और ये बोल रहा है साइन एक्स बराबर ए एन बटा ओ ए, ये बोल रहा है कोस एक्स बराबर ए बी बटा ए बी और ये वाला ट्राइंगल क्या बोल रहा है इसकी आंसर आएंगे तो कोस एक्स बराबर ओ एन बटा ओ ए। यानी त्रिभुज एक और त्रिभुज तीन सर्वागसम है, एक जैसे हैं। तो मैं इधर ही लिख सकता हूं कि मैं साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है बीपी बटा ए बी लिखूं, बीपी बटा ए बी लिखूं, या मैं साइन एक्स की वैल्यू ए एन बटा ओ ए लिखूं, या मैं साइन एक्स की वैल्यू ए एन बटा ओ ए लिखूं। ओके, देखिए बीपी बटा ओ ए बी लिखूं या मैं ए एन बटा ओ ए लिखूं, तो मैं नीचे से यहां साइन एक्स की वैल्यू मूव कर देता हूं। ठीक उसी प्रकार कोस एक्स बराबर ए पी बटा ए बी, ए पी बटा ए बी, या मेरे पास है कोस एक्स की वैल्यू यहां से कितनी है ओ एन बटा ओ ए, ओ एन बटा ओ ए। ठीक है, इसी प्रकार टेन एक्स की वैल्यू बीपी बटा ए पी, टेन एक्स की वैल्यू बीपी बटा ए पी लिखूं, या मैं यहां से टेन एक्स की वैल्यू ए एन बटा, या मैं क्या लिखूं ए एन बटा ओ एन लिखूं, या मैं बोलूं इसके आपस में ये क्या है बराबर, ये साइन एक्स की वैल्यू है, ये कोस एक्स की वैल्यू है और ये टेन एक्स की वैल्यू है। तो क्योंकि इसका भी कोण एक जैसा, आधार है आधार के ऊपर, कर्ण है कर्ण के ऊपर, लंब है लंब के ऊपर, सर्वागसम है समान है, इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, फिर देखें कि चूंकि त्रिभुज एक तथा तीन, त्रिभुज एक कौन सा है ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ओ एन ए सर्वागसम है, ओ एन ए क्या है सर्वागसम है और सर्वागसम का साइन मैं लगा देता हूं, ये वाला साइन होता है सर्वागसम है। कहने का मतलब इसका आधार इसके आधार के बराबर, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर और इसका लंब इसके लंब के बराबर। तो हम लिखेंगे कि इस वाले त्रिभुज का आधार आधार ए पी बी त्रिभुज का बटा होगा आधार ओ एन ए त्रिभुज का, या ये बराबर होंगे लंबे त्रिभुज ए पी बी का और लंबे त्रिभुज ओ एन ए का, बराबर होंगे कर्ण त्रिभुज ए पी बी का और कर्ण त्रिभुज ओ एन ए का। तो मतलब इसका कर्ण बटा इसका कर्ण बराबर इसका लंब बटा इसका लंब बराबर इसका आधार बटा इसका आधार, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक सर्वागसम का रूल है साइड एंगल साइड, ये हमारे पास एस 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 ए एस ए एस अपने टेंथ क्लास के पढ़े हुए रूल से। तो आप ऐसे मान के चलिए कि इसका आधार बटा इसका आधार, या पहले इसको लिख दीजिए ऊपर इसको लिखिए या नीचे इसको लिखिए, ऊपर इसको लिखिए या नीचे इसको लिखिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए आधार क्या है हमारे पास ए बी सॉरी आधार क्या है अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आधार ए बी बटा इसका आधार ओ एन के बराबर, बराबर इसका लंब बीपी, इसका लंब बीपी, इसका लंब ए एन इसके बराबर, इसका कर्ण ए बी और इसका कर्ण ओ ए इसके बराबर, इसका कर्ण ओ ए इसके बराबर। ओके, तो देखिए हमारे पास ये आ गया ए एन, या आप उल्टा कर लो
या इधर लिख देता हूं मैं, या आप कर सकते हो ओ एन बटा ए बी बराबर है ए एन बटा बी बी के, बराबर ए एन बटा है बी बी के और बराबर ओ ए बटा है ए बी के। मतलब आप उल्टा कीजिए या पे इसको रेशनलाइजेशन में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसे लगता होगा कि ये हमारे पास ऐसे क्यों लिखे जा रहे हैं, इसका आधार बटा इसका आधार, इसका लंब बटा इसका लंब, इसका कर्ण बटा इसका कर्ण। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि देखो इसका आधार AP, इसके आधार OP, क्योंकि सर्वावेशों में एक समान है। तो देखो ऐसे लिखेंगे कि इसका आधार AP बराबर है इसके आधार ON के, और मान लिया कि वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास K वैल्यू आ गई, ठीक है। या ऐसे देखो कि इसकी आधार AP ON के बराबर है और इसका लंब BP, इसका लंब BP किसके बराबर है, इसके लंबे AN के बराबर है, और थर्ड इसका कर्ण AB इसके कर्ण OA के बराबर है। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हो ON को नीचे ले आओ, यानी AP बटा ON क्या आया एक आया, इसको नीचे ले आओ BP बटा AN क्या आया एक आया, इसको नीचे ले आओ AB बटा OA क्या आया हमारे पास एक आया। या आप ऐसे करो कि AP को इधर ले जाओ, वन बराबर ओ एन बटा ए बी, बीपी को इसके नीचे ले आओ वन बराबर ए एन अपॉन ए बीपी, ए बी को इसके नीचे ले आओ वन बराबर ओ ए अपॉन ए बी। तो कहने का मतलब तीनों में वन वन आ रहा है, इसका मतलब ए बी बटा ओ एन बराबर बीपी बटा ए एन बराबर ए बी बटा ओ ए। उल्टा करेंगे ये भी वन के बराबर, यानी ओ एन किसके बराबर है ओ एन बटा ए बी बराबर है ए एन बटा बी बी बराबर है ओ ए बटा ए बी जैसा। अब हम साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स माइनस वाई एंड टेन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले निकालेंगे, तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रह जाए, इसलिए मैं इन चारों ट्राइंगल्स को और इन सभी प्रकार की वैल्यूओं को मैं थोड़ा सा छोटे साइज में लिखता हूँ। तो हमें साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स माइनस वाई और टेन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले आसानी से फाइंड हो जाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई बराबर बी एम बटा ओपी। साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बी एम अपॉन ओपी। अब देखिए आइए हमारे पास बी एम, तो सबसे पहले हमारे पास बी एम किसके बराबर है पी एन के, बी एम किसके बराबर है पी एन के, तो ये मेरे पास क्या बचेगा पी एन बटा ओपी, क्या बचेगा मेरे पास पी एन बटा ओपी, ठीक है। बी एम की जगह मैंने पी एन रख दिया है। अब देखिए आइए इस डायग्राम के अंदर हमारे पास अब पी एन क्या है पी एन, तो ये रहा मेरे पास पी एन। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं पी एन की, तो पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए एन माइनस ए पी, पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ए एन माइनस ए पी, और नीचे रह जाएगा मेरे पास ओपी। कहने का मतलब अब मैं इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे करता हूं, तो मेरे पास साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए एन अपॉन ए ओपी, ए एन अपॉन ओ बी माइनस ए पी अपॉन ओ बी, ए पी अपॉन ओ बी, ठीक है। अब आइए यहां से हम वैल्यू रख देते हैं, देखो वैल्यू क्या है ए एन अपॉन ओ बी, तो ढूंढिए यहां पर हमें ए एन अपॉन ये रहा, देखिए हमें मिल गया ए एन और इसके नीचे क्या है ओ ए, जबकि इसके नीचे क्या है ओ बी। तो हम क्या करेंगे साइन एक्स माइनस वाई बराबर ये जो ए एन है इसके ऊपर नीचे मैं ओ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं ओ ए और ओ ए अपॉन ए ओ बी, देखिए ए एन बटा ओ बी छोड़ दिया, ओ ए से मैंने क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ए पी अपॉन, अब क्या चाहिए ए पी अपॉन ओ बी। तो हमारे पास यहाँ ए पी अपॉन ए क्या है ए बी है, और यहाँ क्या हो रहा है ओ बी, यहाँ क्या बोल रहा है ओ बी, जबकि ए बी के नीचे क्या है ए बी है, तो यहां मैं क्या करता हूं ए बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई
कर देता हूं। तो मैंने ऐसा क्यों किया कि ये हमने डायग्राम से देखेंगे कि AN के नीचे OA था, तो OA से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, AB के नीचे क्या था AB, तो AB से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब हम इसकी वैल्यू उठा के फुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास AN अपॉन OA, AN अपॉन OA इसकी वैल्यू है साइन एक्स की, इसकी वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स की OA अपॉन OB, OA अपॉन OB। देखो ये रहा cos y, cos y बीच वाला साइन ऐसा कैसा, AP अपॉन AB, AP अपॉन AB क्या है हमारे पास cos x, AP अपॉन AB क्या है cos x, AB अपॉन OB, AB अपॉन AB अपॉन OB, AB बोल दूं या मैं BA बोल दूं, AB अपॉन OB क्या है sin y, तो ये क्या जाएगा sin y, यानी sin x माइनस y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y, तो ये हमारे पास फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। अब क्या करते हैं, अगर मान लो मेरे पास हम जो कि हम जानते हैं कि sin x प्लस y का फॉर्मूला कितना होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, अगर मैं जो हमने पिछले की क्लास में सिद्ध किया था, तो अगर मैं y की जगह माइनस y सिद्ध कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा sin x y की जगह मैं क्या कर देता हूं माइनस y सिद्ध कर देता हूं, तो ये sin x cos माइनस y प्लस cos x sin माइनस y, तो ये मेरे पास क्या बनेगा sin प्लस इनटू माइनस माइनस यानी x माइनस y, और ये क्या बचेगा sin x, आपको पता है कि cos माइनस थीटा कितना होता है प्लस का cos थीटा, जबकि sin माइनस थीटा कितना होता है माइनस sin थीटा, तो ये मेरे पास प्लस का ऊपर हो जाएगा sin x cos y, और ये मेरे पास है cos x और sin माइनस थीटा कितना है माइनस sin थीटा, तो माइनस इनटू प्लस माइनस sin y, तो ये मेरे पास sin x minus y का फॉर्मूला हम यहां से ला सकते हैं, पर एक्चुअली प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो हम ये टोटल से डायग्राम बना के बताएंगे कि हमारे पास sin x minus y का फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि cos x minus y का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए cos x minus y वाले फॉर्मूले के लिए मैं क्या करता हूं, इधर लगा लेता हूं cos x और इधर जो भी डिजिट आएगा हम वो लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए cos x minus y, cos x minus y के बराबर हमारे को क्या दे रहा है कि bn upon on, देखिए क्या दे रहा है bn सॉरी om upon ob, क्या दे रहा है om upon ob, देखिए cos x minus y om upon OB। अब देखिए OM के अंदर आ गई, OM की वैल्यू हमारे पास क्या है ON प्लस NM, ON प्लस NM अपॉन OB छोड़ दो ऐसा कैसे, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो अब ON NM किसके बराबर है, जो कि NM किसके बराबर है BP के, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ON प्लस NM की जगह मैं क्या रखूंगा BP, तो ये मेरे पास क्या जाएगा BP और अपॉन में क्या आ जाएगा OB, तो हम देखें इसको अलग अलग करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा ये ON बटा OB प्लस BP बटा OB प्लस BP बटा OB, ये मेरे पास बचेगा cos x minus y। ठीक है, अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है, तो मेरे पास लास्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा cos x minus y on, देखिए on पे आइए तो ये रहा अपने पास on, on के नीचे क्या है oa, तो आप oa से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ob ऐसा कैसा, तो इसको काट देंगे तो वापस ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस bp, प्लस bp, BP देखिए हमारे पास है ये रहा BP, BP के नीचे कौन है AB, यानी मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा AB से और नीचे ये शेष क्या रह जाएगा OB।
ठीक है। तो ये हमारे पास है, आप चाहे ऐसे कर लेना, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर शुरुआती स्टूडेंट्स को आप होगी तो इसको ऐसा कैसा लिख लेना बटा में ओ बी, और ये ऐसा कैसा लिख लेना ओ एन के नीचे क्या चाहिए हमें ओ ए, तो आप ऐसे करना इसे ओ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और बीपी के नीचे हमारे पास क्या है ए बी, तो आप ए बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए ये इधर सरका रहा हूं और ये इधर है इसका रहा हूं, तो ये मेरे पास बचेगा ओ एन और ओ ए और इनटू में ओ ए अपॉन ओ बी, मतलब नीचे से गुणा है दो गुणा तीन को, तीन गुणा दो, ठीक उसी प्रकार से इनको उल्टा किया जा सकता है। बीपी के नीचे तो मैं क्या ले आया ए बी ले आया, और ए बी के नीचे मैं क्या ले आया ओ बी। ओके, तो ये मेरे पास क्या था cos x माइनस वाई का, अगर मैं यहां साइड से वैल्यू देख के रखूं तो ओ एन अपॉन ओ ए, ओ एन अपॉन ओ ए cos x मल्टीप्लाई में है ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी, ये आ जाएगा मेरे पास cos y, बीच का साइन ऐसा का ऐसा प्लस बीपी अपॉन ए बी, बीपी अपॉन ए बी कौन है साइन एक्स, बीपी अपॉन ए बी क्या है साइन एक्स, एंड ए बी अपॉन ओ बी, ए बी या बी ए बोल दो, ए बी अपॉन ओ बी क्या है साइन है, चलो मैं यहां ए बी ही कर देता हूं, ए बी अपॉन ओ बी क्या आ जाएगा मेरे पास साइन ए वाई। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास से cos x माइनस y का फॉर्मूला कैसे होगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, या आप cos x प्लस y वाले फॉर्मूले में y की जगह माइनस y पुट करके ला सकते हैं, पर उससे सिद्ध नहीं होगा क्योंकि cos x प्लस y से करके दिखाना होगा, तो ये हम इस डायग्राम से वैल्यू सीधे करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan x माइनस y, देखिए ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे tan x माइनस y का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जैसा मैंने tan x प्लस y का बताया था ठीक इसी प्रकार tan x माइनस y के फॉर्मूले के भी दो रूप होंगे, एक तो आप sin x माइनस y अपॉन cos x माइनस y का फॉर्मूला उससे चेक कर लेना, मैं सेकंड मेथड है इसे डायग्राम वाले मेथड को समझा दूंगा, ये आप कर सकते हैं, मैंने पहली क्लास में यहां प्लस का बताया था ठीक इसी प्रकार ये क्या होगा माइनस का होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए tan x माइनस y, हमें क्या चाहिए tan x माइनस y, tan x माइनस y क्या बोल रही है bm अपॉन om, क्या बोल रही है कि bm अपॉन om, tan x माइनस y क्या बोल रही है bm अपॉन om। अब आ जाइए, अब हमें वैल्यू चाहिए बी एम की, अब हमें वैल्यू चाहिए बी एम की, तो देखिए हमारे पास बी एम किसके बराबर है पी एन के, देखिए बी एम किसके बराबर है पी एन के, और नीचे छोड़ दिया मैंने ओ एम, अब देखिए पी एन ये रहा हमारे पास है पी एन, पी एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई ए एन माइनस ए पी, कितनी वैल्यू आई पी एन की ए एन माइनस ए पी अपॉन ओ एन, ओ एन की वैल्यू कितनी आई ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम, कहने का मतलब मेरे पास टेन एक्स माइनस वाई एंगल क्या आ गया ए एन माइनस ए पी, ए एन माइनस ए पी अपॉन ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम। ओके, अब जैसा हमने tan x plus y पीछे की क्लास में पढ़ा था लास्ट ईयर क्लास में, तब हमारे पास अब मैंने o n का भाग लिया था, अब हमारे पास चार वैल्यू है a n है a p है o n है n m है, आपकी जो मर्जी आप उस वैल्यू को ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, इधर z से वैल्यू निकाल लेना, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, मैंने tan x plus y में ऐसा करके सिद्ध करके दिखा रखा है, दो बार मैंने वैल्यू लिया था, तो आपको क्या करना है इसे tan x minus y के फॉर्मूले में आपको an minus ap में भाग देना है, जो आपकी इच्छा इन चारों के अंदर से अपॉन on plus an, यानी मेरे को ऊपर नीचे डिवाइडेशन करना है।
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपकी मर्जी ए एन ए पी एन एम ओ एन में से आप कोई एक ले लीजिए और सुविधा की दृष्टि से आप ओ एन ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, ओ एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप ए पी ले सकते हो, एन एम ले सकते हो या ए एन ले लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए मैं इसको अलग अलग करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा कि ए एन बटा ओ एन कितना आ जाएगा, ए एन बटा ओ एन माइनस ए पी बटा ओ एन माइनस ए पी बटा ओ एन अपॉन ओ एन अपॉन ओ एन बीच का साइन प्लस एन एम अपॉन ओ एन एन एम अपॉन ओ एन। ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, टेन एक्स माइनस वाई के बराबर। ठीक है, अब हमारे यहां से हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए हमारे पास ए एन बटा ओ एन क्या है, तो ए एन बटा ओ एन हमारे पास क्या है, टेन एक्स, इसको मैं सीधा रखूंगा। तो हमारे पास ए एन बटा ओ एन कितना आ गया, इधर से देखिए स्टूडेंट्स, ए एन बटा ओ एन टेन एक्स के बराबर है। तो ये मेरे पास क्या गया, टेन एक्स माइनस ए पी अपॉन ओ एन किसके बराबर है, हमारे पास ए बी अपॉन ओ ए। देखिए ए पी अपॉन ओ एन किसके बराबर है, ए बी अपॉन ओ ए के, और ए बी अपॉन ओ ए किसके बराबर है, टेन वाई के, एंड ए ऑन ए बी किसके बराबर है, टेन वाई के। देखिए ए पी बटा ओ एन ए बी बटा ओ ए के, और ए बी बटा बी ए लिखू या मैं ए बी लिखू इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी अपॉन ओ ए किसके बराबर है, टेन वाई के। अब हम ओ एन में ओ एन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वन ए प्लस एन एम अपॉन ओ एन एन एम अपॉन ओ एन। तो हमारे पास यहां एन एम अपॉन ओ एन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए क्योंकि एन एम बराबर बीपी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एन एम की जगह कौन आ जाएगा, बीपी बटा ओ एन बीपी बटा ओ एन। अब इस चीज को थोड़ा इधर, तो मेरे पास से टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, टेन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस बीपी अपॉन ओ एन। अब देखिए हमारे पास यहां बीपी, बीपी के नीचे कौन है, एपी, यानी हमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, एपी से, तो एपी इंटू एपी और नीचे कौन आ जाएगा मेरे पास से, ओ एन, नीचे क्या आ जाएगा, ओ एन। या हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, फाइनली टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस बीपी अपॉन एपी, यानी बीपी अपॉन एपी कौन है, टेन एक्स, तो इधर मैं रखूंगा टेन एक्स और डॉट एपी अपॉन ओ एन, एपी एपी अपॉन ओ एन किसके बराबर है, एपी अपॉन ओ ए के, और एपी अपॉन ओ ए किसके बराबर है, टेन वाई के। जैसे मैंने इधर लिखा था वही एपी अपॉन ओ एन वही एपी अपॉन ए एन, तो एपी अपॉन ओ एन बराबर है एपी अपॉन ओ ए के, एंड एपी अपॉन ओ ए बराबर है टेन वाई के। तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास से, टेन वाई। तो ये था मेरे पास फाइनली जो रिजल्ट था कि टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे पास ये तीन फॉर्मूले थे, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई एंड टेन एक्स माइनस वाई। इसके